साठ वर्षात काँग्रेसला जे जमलं नाही ते मोदीजींच्या सरकारनं आठ वर्षात करून दाखवलं. कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर भारताची अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या क्रमांकावर आणल्याचं श्रेय गतिमान सरकारला जात आहे. हेच अच्छे दिन आहेत असं ठोस प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी डोंबिवली इथं केलंय. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिवसभरात भाजपा कल्याण लोकसभा प्रवास सुकाणू समिती भाजप पदाधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेतली, तसेच केंद्र सरकारच्या प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांशी सुसंवाद साधला. कल्याण लोकसभा प्रवास बैठक कोअर कमिटीशी सुसंवाद साधताना अनुरागजींनी पदाधिकाऱ्यांना अतिशय ओघवत्या शैलीत मार्गदर्शन केलं. ठाकूर यांच्या दौऱ्यात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील, आमदार संजय केळकर, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार कुमार आयलानी, जिल्हाध्यक्ष शशिकांत कांबळे आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. अपने 3 दिवसीय कल्याण लोकसभा क्षेत्र के इस दौरे पर मैं आया हूं. भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में लगभग 144 ऐसे लोकसभा सीटों का चयन किया है, 144 सीट, जहां पर हम अपने संगठन को और मजबूत करने जा रहे हैं. भविष्य में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दल वहां पर और चुनाव जीते, ऐसा हम सबका प्रयास है. अगर आप देखेंगे 2014 में मोदी जी के नेतृत्व को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था और 1984 के बाद 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार अगर कभी बनी तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 272 सीटें एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी में जीती. 5 वर्ष के शानदार कार्यकाल के बाद जहां एक और मीडिया ये प्रशंसन लगा रहा था कि क्या मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, मोदी सरकार के कामकाज ने और जनता के आशीर्वाद के कारण 272 से बढ़कर 303 सीटें भाजपा एनडीए गठबंधन की आई. पिछले 3 वर्षों में अभूतपूर्व काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की. अनुच्छेद 370 35 से जिसका दर्द और जिसके कारण हजारों लोगों की जानें भी गई, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था उसे मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया. मुस्लिम बहनों की मांग ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया. वर्षों से लंबित राम मंदिर का फैसला भी आया और राम मंदिर का शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी जी ने किया और अगले साल भव्य राम मंदिर का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे. सुभाष पटनाईक, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, कल्याण, डोंबिवली.